हेलो सोर्स ऑफ गाइस, वेलकम टू यूरेंजन स्टडी सेंटर। तो यार आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसका पीएच मान कितना होता है। तो प्लीज यार मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल वाले घंटी की दबा दीजिए, ताकि मेरे चैनल के जरिए आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यार मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किसका पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड या अन्य कॉम्पिटिशन में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। अब क्वेश्चन नंबर टू है कि दूध का पीएच मान 6.5 होता है, दूध का पीएच मान 6.5 होता है। और क्वेश्चन नंबर तीन है कि सिरके का पीएच मान 3 होता है, सिरके का पीएच मान 3 होता है। और क्वेश्चन नंबर फोर है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है कि नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का पीएच मान 7 होता है, नमक का पीएच मान 7 होता है। और क्वेश्चन नंबर सेवन में है कि शराब का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.4 होता है। और क्वेश्चन नंबर एट है कि मानव मूत्र या पेशाब का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच होता है, मानव मूत्र या पेशाब का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच होता है। और क्वेश्चन नंबर नाइन है कि समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। और क्वेश्चन नंबर टेन है कि आंसु का पीएच मान 7.3 होता है, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान 0 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मान HCl का पीएच मान 0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि बैटरी एसिड का पीएच मान कितना होता है, बैटरी एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान 1.0 यानी कि 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेब या सोडा का पीएच मान 3.0 होता है, सेब या सोडा का पीएच मान 3.0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच होता है, अचार का पीएच मान 3.9 के बीच होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है, टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच होता है, केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच होता है। तो गाइस मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी लाल घंटी को दबा दीजिए, ताकि मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले वाले वीडियो में।